अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करता है लाहौर से। पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटों की कार्रवाई से पतंग फरोश समेत 15 पतंगबाज गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बाबर भट्टी से। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। जी, लाहौर पतंग फरोश और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटों की कार्रवाइयाँ। पतंग व डोर फरोश समेत 15 पतंगबाज गिरफ्तार। 70 पतंगे, 6 चरखियाँ डोर, 5 पिन्ना डोर, 15 कच्ची डोर बरामद। नवाकोट पुलिस मुलजमान शकूर और हनीफ के कब्जा से दर्जनों पतंगे और चरखियाँ बरामद। शेराकोट पुलिस मुलजमान इमरान और इकबाल के कब्जा से पतंगे और डोर बरामद। वाहदत कलोनी पुलिस मुलजमान अबू बकर और उस्मान के कब्जा से दर्जनों पतंगे, चरखियाँ और पिन्ना डोर बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इकबाल टाउन SP इकबाल टाउन अवैध शफीक का कहना था कि वालदान को मुतला किया जाता है कि पतंगबाजों जैसे खूनी खेल से खुद भी और बच्चों को भी दूर रखिए। जी बहुत शुक्रिया बाबर तफसीला से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।